हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर हम फिटनेस की बात करें, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो है एक हेल्दी डाइट प्लान और एक हेल्दी एक्सरसाइज प्लान। अब अगर हम स्पेसिफिकली एक्सरसाइज की बात करें, तो जो माइंड हमारे जनरल पॉपुलेशन का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टाइम कम है तो हम जॉगिंग रनिंग स्टार्ट कर लेते हैं अपने ओन पे, और अगर हम टाइम ज़्यादा मैनेज कर पाते हैं तो हम किसी जिम को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट इट। एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है कि आपका पर्पस डिफाइन हो। अगर हमारा पर्पस डिफाइन होगा तो तभी हम एक राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज को चूज़ करेंगे, उस स्पेसिफिक टाइप को चूज़ करेंगे कि जो हमें इन फ्यूचर हमें फ़ायदा भी दे, और इन दैट जब हम उस प्रोग्राम को कंप्लीट करें तो हमें उसके बेनिफिट्स हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा मेन पर्पस है कि हमने अपने मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, मसल की इंड्योरेंस को बिल्ड करना है, तो जो हमारा जो टाइप होगी एक्सरसाइज की वो होगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकि जो हमारे मसल है उसको हम बिल्डअप कर सकें। तो इसी तरह जो डिफरेंट पर्पस हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। तो आज वीडियो हम यही देखेंगे कि एक्सरसाइज बेसिकली है क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल की बेस के ऊपर जो एक्सरसाइजेस हैं वो वर्क करती हैं, और एक्सरसाइज की टाइप क्या है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ फिजिकल थेरेपिस्ट दानिश अतीक एंड यू आर वॉचिंग फिजियो गाइड्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्टिंग में हमेशा की तरह, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें, जब भी नया कंटेंट अपलोड करें, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इससे पहले कि हम मूव करें जो आज का हमारा मेन टॉपिक है एक्सरसाइज और उसके टाइप्स पे, उसके प्रिंसिपल के बारे में, एक छोटी सी कन्फ्यूजन है जो कि मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी नोट की है, और मैं अपने मोस्टली पेशेंट में चीज़ को नोट करता हूँ कि जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप अपने जो एग्जामिनेशन उनसे पूछते हैं कि आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, तो मोस्टली का जो आंसर होता है वो ये है कि हम जॉब करते हैं, या हमारी जो डेली की लिविंग है उसमें हम इतना वर्क करते हैं, हम सामान उठा रहे हैं, हम घर की जो फीमेल्स वो कहती हैं कि हम घर की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है और जो एक्सरसाइज है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब फिज़िकल एक्टिविटी क्या है? फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी ऐसी आपकी बॉडीली मूवमेंट है हमारे, जिसके अंदर हमारे जॉइंट्स मूव हों, हमारे जो मसल्स हैं वो मूव हों, और हम जो अपनी डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फीमेल घर में तो खाना पकाना, उसका सफाई धुलाई, या अगर कोई मेल है वो जॉब करता है तो उसकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उसको हम फिज़िकल एक्टिविटी में तो इंक्लूड करेंगे, बट दोज़ आर नॉट एक्सरसाइज। और इसी के अल्टरनेट अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, इसी के ऑपोजिट अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, तो एक्सरसाइज हमेशा गोल ओरिएंटेड होगी। यानी कि कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कि जब उसमें हम उसको गोल स्पेसिफाइड कर दें, हम उसको गोल ओरिएंटेड कर दें, तो वो फिजिकल एक्टिविटी बन जाएगी एक एक्सरसाइज। तो एक छोटा सा डिफरेंस है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के दरमियान की, जिसको समझना ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज है क्या। एक्सरसाइज एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जो कि प्लान्ड होगी, जो कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड होगी और रिपीटेटिव होगी। यानी कि एक प्रॉपर प्लान होगा, एक प्रॉपर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का प्रोसीजर होगा, और हम उसको बार बार रिपीट करेंगे। रिपीट इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा पर्पस है हम उसको अचीव कर सकें। अब पर्पस या गोल हमारा क्या हो सकता है? या तो हमारा, फॉर एग्जांपल, हम देख लेंगे जो हमने मसल की स्ट्रेंथ है हमने उसको इम्प्रूव करना है, या मसल की इंड्योरेंस है उसको इम्प्रूव करना है, या हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमने उसको इम्प्रूव करना है, उसकी जो फिटनेस है मेंटेन करना है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने इम्प्रूव करना है। तो गोल हमारा स्पेसिफिक हो सकता है, और अब उसी गोल के अकॉर्डिंग जो टाइप है एक्सरसाइज की उसको चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उन्होंने सेट किए हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए, ताकि जो अपनी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो उनकी फिजिकल फिटनेस है उसको मेंटेन कर सकें। अब वो स्टैंडर्ड्स हैं, या तो 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करें ड्यूरिंग वन वीक, या आप 75 मिनट्स ऑफ विगरस वर्कआउट करें ड्यूरिंग वन वीक। यानी कि आप 150 मिनट्स का वर्कआउट कर सकते हैं एरोबिक्स के अंदर, और 75 मिनट्स का आप जो वर्कआउट है वो ड्यूरिंग वन वीक आप करें, जिसके अंदर हमारी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, जैसे कि जिम वर्कआउट है या स्विमिंग टाइप की जो एक्सरसाइजेस हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं। प्रिंसिपल की बात करें कि वो कौन सा प्रिंसिपल है कि जिसके ऊपर जो सारी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हैं वो डिपेंड करती हैं, और वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोडिंग। यानी कि हम किसी भी अगर सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है, वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो सकता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो सकता है, तो हमने किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करना है, उसकी फिजिकल फिटनेस जो है उसको मेंटेन करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो जो हमारा जो मेन प्रिंसिपल है वो है ओवरलोडिंग। क्योंकि जब तक हम किसी सिस्टम के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं देंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, तो वो अपनी नॉर्मल जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बियॉन्ड वर्कआउट नहीं करेगा, और जब तक वो वर्कआउट नहीं करेगा अपनी जो नॉर्मल लिमिट से बियॉन्ड, तो हम उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उसको गेन नहीं कर सकते।
नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, सो दे आर बेसिक फोर टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस. फर्स्ट वन इज एरोबिक एक्सरसाइजेस, सेकंड वन इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, थर्ड वन इज स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस एंड फोर्थ वन इज बैलेंस एंड गेट एक्सरसाइजेस. फर्स्ट वन इज एरोबिक एक्सरसाइजेस. अब जो एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं ये हमारे बॉडी का जो एरोबिक सिस्टम है, एरोबिक एनर्जी सिस्टम है, उसको यूज़ करती है. अब जो एरोबिक एक्सरसाइजेस का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है और जो हमारी फिटनेस है उसको प्रमोट करती है, उसको इम्प्रूव करती है, और इसके अलावा प्रिवेंट करती है हमें डिफरेंट डिजीज से, डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस से. अब एरोबिक एक्सरसाइज में होता ये है कि जो हमारे बॉडी के लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे जो बॉडी का हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज होता है, ताकि जो लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स की जो ऑक्सीजन डिमांड है, जो उनकी ब्लड डिमांड है, उनको पूरा किया जा सके. एग्जाम्पल्स की बात करें कि एरोबिक एक्सरसाइज के क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो वो है हमारे पास साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, हाइकिंग. मीन्स के वो सारे एक्सरसाइजेस के जिनके अंदर हमारी बॉडी के जो लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं और जो हमारी बॉडी का हार्ट रेट है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, वो इंक्रीज होता है. जो अगली टाइप की एक्सरसाइजेस की वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे मसल्स हैं हम उनको मूव करते हैं अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस. अब वो रेजिस्टेंस मैनुअल भी हो सकती है, वो रेजिस्टेंस को वेट हो सकता है, वो कुछ स्ट्रेच बैंड हो सकता है, इवन कि जो जिम्स की मशीन है वो कोई मशीन हो सकती है कि जिसके थ्रू हम अपने मसल्स को रेजिस्टेंस दे रहे हैं और उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम अपने मसल्स को मूव करते हैं. अब जो यहाँ पे मेन पर्पस है वो ये है कि जो हमारे मसल की इंड्योरेंस है और जो हमारे मसल की स्ट्रेंथ है हम उसको इम्प्रूव करें. जो अगली टाइप है एक्सरसाइजेस की वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस. अब होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे मसल की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है. अब उसके पीछे डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, हमारा गलत पोस्चर हो सकता है, हमारा अपने आप को हमारी जो मसल्स हैं उनको किसी फिजिकल एक्टिविटी में ना इंगेज रखना, डिफरेंट कॉज हो सकते हैं. अब जब मसल की लेंथ शॉर्ट होती है तो जो हमारे पास मोबिलिटी है हमारे जॉइंट्स की, हमारी बॉडी की, वो रिड्यूस हो जाती है. तो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं वो यूज़ होती हैं ताकि जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, हम उनको अचीव कर सकें और उसको मेनटेन कर सकें. एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में योगा है, डिफरेंट स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं, उसके अलावा है टाई ची. जो लास्ट ऑफ फोर टाइप एक्सरसाइज की वो है हमारे पास बैलेंस और गेट ट्रेनिंग. अब रिलेटिवली अगर हम बात करें जो पिछली तीन टाइप्स की बात की है उसके कंपेयर में अगर हम इस टाइप की बात करें तो ये मोस्टली यूज होता है थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स के अंदर और डिफरेंट जो कंडीशन है, डिजीज हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए, और स्पेसिफिकली जो ओल्ड एज हमारी पॉपुलेशन उनके अंदर ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के बढ़ने की वजह से जो पेशेंट्स हैं, जो एल्डरली पॉपुलेशन, उनका जो बैलेंस है, जो उनका गेट है, वो डिस्टर्ब होता है. तो यहाँ पर डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो पेशेंट है उसकी गेट को इम्प्रूव किया जाता है, उसके जो बैलेंस है उसको इम्प्रूव किया जाता है, और जो उसकी कोऑर्डिनेशन है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है. सो गाइस, ये तो था एक जनरल सा ओवरव्यू के एक्सरसाइज होती क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है. तो आने वाले वीडियो में हम इसी जो टाइप्स हैं एक्सरसाइजेस की उनके बारे में देखेंगे कि ईच एक्सरसाइज जो है, जो ईच टाइप है, उनका क्या गोल है, क्या पर्पस है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और कौन सी पॉपुलेशन है कि जिनको वो टाइप है जो चूज़ करनी है. तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.